दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग बताइए राधे राधे भाई राधे राधे सभी को चलिए तो आज मेरे भाई जबरदस्त क्लास होने वाली है आप लोगों की और वो है हमारा डिजिटल सम बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक जो आपके बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी चुटकियों में उड़ा के फेंक देगा मेरे भाई ठीक है ये डिजिटल सम जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जैसे अगर हम एसएससी के बैंकिंग के रेलवे के या किसी भी परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस होता है जैसे परसेंटेज हो गया ज्योमेट्री हो गया मैंसुरेशन हो गया सिलेबस के पार्ट होते हैं लेकिन जो डिजिटल सम टॉपिक हमारा हो गया ना वो सिलेबस में नहीं आता है लेकिन मेरे भाई बड़े से बड़ा कैलकुलेशन चाहे वो अर्थमेटिक का कोई टॉपिक हो या एडवांस का कोई टॉपिक हो उसको विद इन सेकेंड्स में मेरे भाई सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ठीक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज आप सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स किया जाता है इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में कहीं पर भी आप जुड़े हैं वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो आपको बहुत 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 आगे चल के भविष्य में फायदा पहुंचाएगा और सवालों को बनाने का जो नज़रिया है वो मेरे भाई बदल के रख देगा ठीक है काफी समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर डिजिटल सम पढ़ाई है तो हमने कहा इस सीरीज की शुरुआत डिजिटल सम से ही की जाए ठीक है <coughs> ताकि आपको मेरे भाई ये फायदा हो सके और साथ में ये फाउंडेशन बैच का जो प्लेलिस्ट है उसमें डेफिनेटली ये ऐड हो जाएगा ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो फाउंडेशन बैच कर रहे थे उनको भी मेरे भाई काफी ज्यादा फायदा पहुंच पाए ठीक है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना डिजिटल सम का जादू किंग ऑफ कैलकुलेशन तो ये हम शुरू करते हैं अब डिजिटल सम के बारे में हम जानते हैं तो देखो डिजिटल सम हमारा है क्या ठीक है सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि डिजिटल सम हमारा महत्वपूर्ण क्यों है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं जोड़ घटाओ गुना भाग वहाँ पे तो वहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग आप कर सकते हैं और सवालों को आसानी से बना सकते हैं बट प्रयोग करेंगे कैसे समझ रहे हैं बात को लेकर किस प्रकार इसका यूज होगा कैसे सवालों को हम शॉर्ट में कर पाएंगे वो सारी बातें हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले देखिए डिजिटल सम आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ चाहे मेरे भाई आपका अरिथमेटिक हो ठीक है या फिर आपका एडवांस हो ठीक है या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो तो वहां पर आपका डिजिटल सम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है यानी कंप्लीट मैथ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया जाता है अब उसके बाद बात होती है कि चलो कैलकुलेशन को इजी हम बना सकते हैं तो हम बनाएंगे कैसे क्या क्या बातें होती हैं अगले डेढ़ घंटे तक आप मेरी बातों को बड़े प्यार तरीके से सुनिएगा समझिएगा यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेशन में और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल सम की परिभाषा है क्या तो सही से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिजिटल सम यहाँ पे अब डिजिटल सम की अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डिजिटल सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर डिजिट के सम क्या हो जाएगा सर डिजिट का सम यानी अंकों का योग अंकों का योग ही हमारा क्या कहलाता है अंकों का योग हमारा डिजिटल सम कहलाता है उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर यह बोलूँ कि वन है टू है और थ्री है इसका डिजिटल सम बताओ कि इसका डी क्या होगा जहाँ जहाँ डिजिटल सम है वहाँ मैं डी एस लिखूँगा यहाँ पर शॉर्ट में आप समझ जाइएगा तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम का मतलब होता है उस संख्या को तब तक जोड़ते रहना जब तक मेरे भाई एक अंकों की संख्या हमें ना मिल जाए जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा वन फिर हमारा हो जाएगा टू और फिर हमारा हो जाएगा थ्री ठीक है सबको जोड़ेंगे यदि तो हमारा कितना आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहां पर छः। कितना आ जाएगा हमारा तो हमारा यहां पर छः आ जाएगा कुल मिलाकर कितना आ जाएगा छः आ जाएगा तो ये जो एक अंकों की संख्या हमारी प्राप्त होगी इसे हम क्या बोलेंगे तो इसे हम डिजिटल सम बोलेंगे अब थोड़ा सा एक बात को समझिए आप लोग आप लोगों की जो फॉर्मूला बुक हमने निकाली है इस फॉर्मूला बुक में दोस्त हमने यहाँ पर कंप्लीट तरीके से डिजिटल सम से ही शुरुआत किया है जो हमारी नई वाली ये फॉर्मूला बुक है दोस्त यहाँ पे आप ये नई वाली फॉर्मूला बुक जो देखोगे तो इसका पहला चैप्टर ही हमारा डिजिटल सम से शुरू होता है और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक बातें एक एक परिभाषा एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि डिजिटल सम क्या होता है कैसे होता है अभी हम आपको उसके पीडीएफ से ही थोड़ी देर पढ़ाएंगे और उसके बाद तो हम आपको लेकर चलेंगे सारी बातों पर जो जो बातें हमने यहाँ पर कही है ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा और ये जो फार्मूला बुक की सैंपल पीडीएफ है ये क्लास के बाद आप लोगों के टेलीग्राम पर डल जाएगी जैसा मैंने कहा था कि फार्मूला बुक में मेरे भाई डिजिटल सम का और परसेंटेज का प्रॉपर तरीके से जो है हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा दोस्त यहां पर पीडीएफ डाल देंगे तो ये आपका फॉर्मूला बुक का सेकेंड एडिशन है नया वाला एडिशन है आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड एडिशन और इस फार्मूला बुक के अंदर में मैंने कहा था ना कि भारत की इकलौती ऐसी किताब है जिसके अंदर डिजिटल सम का उल्लेख है जिसके अंदर उसके बारे में कहा गया है अब यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक

यहाँ पे नेक्स्ट कहा गया है कि दिस टेक्निक हैज डिफरेंट यूजफुल एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट गिविंग कम्पिटिव एंड अदर एग्जाम एज दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद फोर ऑप्शन टू एवरी आंसर कहने का मतलब है कि हमें आवश्यकता क्यों है क्योंकि आज के समय में जब हम बात करते हैं डिजिटल सम को लेकर तो आज के समय हम कोई भी पेपर देते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन मिलते हैं और उन चार चार्शन्स में से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन को छाटने के लिए इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मेरे भाई छाटने के लिए वहां पर जो है हम डिजिटल सम का बखूबी प्रयोग करते हैं समझ में आ गया बात यहाँ पे उन चार ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन अगर हमें छांटना है तो वहां पर जो सही ऑप्शन है उसको छांटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज डिजिटल सम डिजिटल सम है क्या तो मेरे भाई यहां पर डिजिटल सम को साफ अक्सरों में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 135 का डिजिटल सम निकालना है तो 135 का डिजिटल सम निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो तो इनको जोड़ो यहाँ पे 135 का मतलब वन प्लस थ्री प्लस फाइव यानी कितना हो जाएगा तो नाइन हो जाएगा हमारा उसी प्रकार यहां पर देखिए तो जैसे मानिए 68 है यहाँ पर तो 68 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा तो उनके अंकों को जोड़ना और तब तक जोड़ो मेरे भाई जब तक हमें एक अंकों की संख्या ना मिल जाए जैसे 6 प्लस एट हमारा 14 होता है फिर इस 14 को भी हम जोड़ेंगे तब तक जब हम तो एक अंकों की संख्या ना मिल जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा वन प्लस 4 यानी फाइव के बराबर ठीक है यानी अंकों को जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के एक अंकों की संख्या तक मेरे भाई यहां पर लेकर आना है जैसे अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो चौंतीस है तो चौंतीस का डिजिटल सम हम हमारा कितना होगा तो चौंतीस का डिजिटल सम हम हमारा थ्री प्लस फोर यानी सेवन होगा तो पहले डिजिटल सम निकालना सीखो कि डिजिटल सम हम, हम निकालते कैसे हैं और जब डिजिटल सम निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद उनको हम सवालों में मेरे भाई जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बना के हम उसको तरीके से मेरे भाई हम यहां पर कर पाएंगे ठीक है पूरा का पूरा जो हम आपका सार है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम कैसे सॉल्व करेंगे अब बोलोगे सर सवालों में हम डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है जो फॉर्मूला बुक में दी गई है कि कभी भी कोई भी सवाल दोस्त अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये काम करिए कि जो भी आपको इक्वेशन दिया गया होगा जो भी आपको सवाल दिया गया होगा उसमें लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालो और जो आपका ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम निकालो और आपका दोनों का डिजिटल सम क्या करना चाहिए तो मैच करना चाहिए समझ में आ गया बात यहाँ पर क्या होना चाहिए तो मैच करना चाहिए एक तरफ बाएं तरफ का पूरा का पूरा डिजिटल सम निकाल लीजिए अंकों का योग निकाल लीजिए और दाएं तरफ का अंकों का योग निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर दोनों को जो है वो कर लीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका ठीक <coughs> है बात होती है कि डिजिटल सम क्या परसेंटेज में डेसिमल में अलग अलग जगह पर अप्लाई होता है तो बिल्कुल यहाँ पे कि डिजिटल सम कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज और डेसिमल एज वेल ठीक है परसेंटेज वाले सवाल इतने खतरनाक दिखते हैं बट मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो विदिन सेकेंड बन जाएंगे दशमलव वाले सवाल इतने खतरनाक होते हैं लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएंगे अब बात आ रही है लगा लो डिजिटल सम बन जाएंगे बट वो कैसे बनेंगे जरा यहाँ पर देखो तो सबसे पहले यहाँ देखते चलो सारी बातों को हम आपको समझाएंगे यहाँ पे ठीक है अब उसके पहले मेरे भाई एक छोटा सा बात आपको सीखना है कि सर कोई भी संख्या होती है पहले उसका डिजिटल सम निकालते हैं जोड़ते हैं तो ऐसे आता है ठीक है अब डिजिटल सम में दो बातें होती है कि एक हमारा उसको नौ के साथ जोड़ना और एक हमारा होता है उसको नौ के साथ गुना करना वहां पर हम उसे कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे ठीक है कि सर यदि हम उसको नौ के साथ जोड़े तो हमारी कहानी क्या होगी और यदि हम उसे नौ के साथ गुना करें सर तो हमारी कहानी क्या होगी जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या अच्छा डिजिटल सम कहाँ से लेकर कहां तक आ सकता है किसी भी संख्या का डिजिटल सम जीरो आ सकता है वन आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांच आ सकता है छे आ सकता है सात आ सकता है आठ आ सकता है नौ आ सकता है यही डिजिटल सम

पाँच है छः है सात है आठ है और नौ है यदि इनके साथ हम यहाँ पर नौ को जोड़े तो हमारा क्या होगा और यदि इनके साथ हम नौ को गुना करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा यदि हर एक संख्या के साथ हम यहाँ नौ जोड़ दें हर एक संख्या के साथ हम यहाँ पर नौ जोड़ दें तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा और फिर उसके बाद हर एक संख्या में हम नौ को गुना लगा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा जरा वो समझिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये बात सीखना ठीक है उसके बाद एक बहुत ही शानदार तरीका हम सीखेंगे कि सर डिजिटल सम में जोड़ते वक्त भी हमें काफी सारी संख्याओं को लेना होता है और काफी सारी संख्याओं को नहीं लेना होता है ये बात समझिए आप यहाँ अब यहां पर आप आप एक बार तो तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो जीरो में नौ जोड़ने पर कितना आ रहा है तो नौ आ रहा है इस वाले लाइन को फिलहाल अभी हम हटाते हैं इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको वन में देखिए वन में नौ जोड़ने पर कितना आ रहा है तो दस आ रहा है दो में नौ जोड़ने पे ग्यारह आ रहा है नौ में तीन बारह हो गया ये हमारा तेरह हो गया ये हमारा चौदह हो गया ये हमारा पंद्रह हो गया ये हमारा सोलह हो गया सत्रह हो गया और ये अठारह हो गया अब मैं बोलूँ यार ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनका डिजिटल सम निकालो क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के उनको एक अंकों तक लेकर आना तो जरा जोड़ना तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा वन प्लस वन कितना हो जाएगा दो हो जाएगा वन प्लस टू थ्री हो जाएगा वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा वन प्लस सिक्स सेवन हो जाएगा वन प्लस सेवन एट हो जाएगा वन प्लस एट नाइन हो जाएगा तो क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा कि जो संख्या हमारे पास शुरू में थी जोड़ने के बाद मेरे भाई हमें यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हुई है जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हुई है यानी इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में नौ को जोड़ते हैं तो वो जोड़े या ना जोड़े मेरे भाई बात हमारी बराबर पड़ती है आप उसमें नौ जोड़ोगे ठीक है सॉरी तब भी उसका डिजिटल सम इतना ही आएगा और यदि उस 9 को आप नहीं भी काउंट करोगे ना जैसे एक को एज इट इज रहने दो तो तब भी एक आना है या एक में नौ जोड़ दो तब भी एक आना है तो कई ऐसे सवाल होंगे मेरे भाई जहां पर हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे साथ में यानी अगर कोई संख्या आता है जैसे मान लो यहाँ पर कि हमारे सामने वन टू और नाइन आ गया और हमसे कहा गया कि तुम इसका डिजिटल सम निकालो तो डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है वन प्लस टू प्लस नाइन करना मैंने कहा नाइन को तुम मत लो आंसर तुम्हारा कितना आएगा तो थ्री आएगा ये बात खत्म है यहाँ पे यानी जोड़ते वक्त दोस्तों क्या हम 9 को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे इस बात को ध्यान रखो तो हमारे जो फॉर्मूला बुक है दोस्तों यहाँ पे उस फॉर्मूला बुक में बहुत शानदार तरीके से यही बात लिखा गया है सबसे पहले यहाँ पर यही बात लिखा गया कि बाई एडिंग नाइन इन एनी ऑफ द एव डिजिट डिजिट सम डज नॉट चेंज दिस मीन्स वाइल एडिंग कंसिडर नाइन एज अ जीरो इसीलिए जब भी आप जोड़ते हैं तो आप नौ को क्या मानकर चले तो आप मेरे भाई नौ को शून्य मानकर चले नौ को जीरो मानकर चले क्योंकि जब जोड़ रहे हैं और उसके चलते देखो जैसे मैंने आप में कुछ जोड़ा और आपके में कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं इसका मतलब आपका मान्य जीरो है आपका मान्य शून्य है अगर आपके जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ जाता कोई उसके अंदर में बदलाव आ जाता तो भाई कोई बात भी होती कोई बदलाव ही नहीं आया जो जस का तस मेरे भाई रह गए आप इसलिए जोड़ते वक्त कभी भी लेंगे तो कभी मेरे भाई कोई वैल्यू हम नहीं लेंगे नौ को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है ये पूरा इंग्लिश में हिंदी में सारी बातें यही लिखी गई है कि नौ बराबर जीरो जो है वो आपको मान के चलना है जब भी आप किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो जब भी किसी को। जैसे आप यहां पर देखो, तो एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ट करने से नौ बन जाए तो उसको भी मत लेना तो यहाँ पर देखो तो सर, हमको बोले सर, नौ नहीं लेने को तो हम नौ को लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे नौ को लेना है तो बिल्कुल भी नहीं तो नौ को मेरे भाई नहीं लेना है यहाँ पे नौ को नहीं लेना है अब नौ को नहीं लेना है तो फिर मेरे भाई यहाँ क्या लेना है देखो तो बोलेंगे सर देखिए छे हो गया ठीक है छः के साथ यहाँ पर क्या हो गया तो छः और तीन ये भी नौ बना रहा है मतलब नौ हमारा नौ नौ हमारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे सात और दो हमारा नौ बना रहा है मतलब पाँच और चार हमारा नौ बना रहा है मतलब सारे के सारे कट गए यानी डिजिटल सम कितना आ गया जीरो आप जीरो लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर नाइन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है यानी बस आपको पेयर बनाना होता है और पेयर बना बना के बना बना के बना बना के मेरे भाई काटना होता है जैसे आप यहाँ पर इस संख्या का देखिए बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ इतना आप नौ को कंसिडर करिए या आप नौ को कंसिडर मत करिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई भी मेरे भाई इसके अंदर में बदलाव नहीं आएगा आप नौ को यूँ काट सकते हैं सर देखो छः प्लस तीन सर देखिए छः और तीन नौ बन रहा है काट दीजिए सात और दो नौ बन रहा है काट दीजिए आठ और एक नौ बन रहा है काट दीजिए नौ बन रहा है काट दीजिए नौ बन रहा है काट दीजिए लास्ट में टू प्लस यानी कितना आ गया सर फाइव आ गया टू प्लस थ्री कितना आ गया फाइव आ गया आप नौ को जोड़कर निकालोगे तब भी फाइव आएगा और नौ को बिना जोड़े निकालोगे तब भी कितना आएगा फाइव आएगा यही बात मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि मैं चाहता था कि बच्चे इस कंसेप्ट को सीखे इसलिए मैंने फॉर्मूला बुक की शुरुआत ही डिजिटल सम से की है और ये आपकी वो फॉर्मूला बुक है जो मेरे भाई लॉन्च होने के दिन ही आपकी एमेजन पर नंबर वन बन चुकी है और नंबर वन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सेल हो रही है और मेरे भाई सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें यहाँ पर ये आप लोगों का प्यार ही है ठीक है मैं आप लोगों को फॉर्मूला बुक के बारे में बता देता हूँ <coughs> ठीक है सीधा सीधा यहाँ पर आप आदित्य रंजन भी जाके अमेजन पे टाइप करोगे तब भी हमारी फॉर्मूला बुक आ जाएगी और फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन आ जाएगा जैसा मैंने प्रॉमिस किया था एक सौ अस्सी रुपये ये किताब आपको मिलेगी तो एक में ही मिलेगी आप सही तरीके से देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है हैश बेस्ट सेलर इन बुक्स अब सबसे बड़ी बात लोगों की किताब है ना एसएससी में ट्रेंड करती है बैंकिंग में ट्रेंड करती है रेलवे में ट्रेंड करती है आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है कि मेरे भाई एक एग्जाम एक में नहीं भारत के हर एग्जाम में ये नंबर वन पे ट्रेंड कर रही है हैश टैग नंबर वन इन एस एग्जाम हैश टैग नंबर वन In Civil Services, one in exam, ठीक है? और जितने भी भारत में, होते हैं, उन सभी में ये अभी अमेज़न पर नंबर वन में चल रही है और अभी से नहीं जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक चल रही है ठीक है मेरे भाई इस किताब ने पूरा का पूरा तहलका मचा दिया जैसा आप लोगों ने मेरे भाई जो है रिजल्ट दिखाया मजा आ गया और बस यही देख के दिल हमारा खुश हो गया है कि यही चाहते थे कि लॉन्च हो और भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं सभी में ये नंबर वन पर आए और ये नंबर वन आपके सामने दिख रहा है कोई भी भारत का परीक्षा है उसमें हमारी फॉर्मूला बुक जो है वो हैश नंबर वन हैश नंबर वन हैश नंबर वन जो है वो चल ही रही है तो इसके लिए पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आप लोगों ने इतनी भारी मात्रा में इस किताब को अमेजन से ऑर्डर किया और मेरे भाई अपने उपयोग में लेकर अभी तो आने दो उसके बाद ये धीरे 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 करके और ज्यादा तहलका मचाने वाली है तो पहला कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा कि अगर हम किसी भी संख्या में नौ जोड़े तो मेरे भाई वही आता है जो उसका मान होता है अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं कि कभी किसी संख्या में नौ को गुना करें तो हमारा क्या होगा ठीक है जैसे यहाँ पर एक में नौ का गुना कर दो तो नौ आएगा दो में नौ का गुना कर दो अठारह आएगा तीन में नौ का गुना कर दो सत्ताईस आएगा इसमें गुना करो छत्तीस आएगा पैंतालीस आएगा चौवन आएगा इसके बाद तिरसठ आएगा उसके बाद बहत्तर आएगा और उसके बाद यहाँ पर इक्यासी आएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा सा एक और पॉइंट कि जो ये दिया गया है यदि एक बार इनको दोबारा से जोड़ कर देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई रिजल्ट तो यहाँ पर ये नाइन वन प्लस एट नाइन यानी इससे क्या पता चला इससे यह पता चला कि भविष्य में कभी भी किसी भी संख्या को तुम नौ से गुना करो उत्तर तुम्हारा कितना आने वाला है तो नौ ही आने वाला है इस बात को ध्यान रखो यानी कहने का मतलब अगर मैं कल के दिन नाइन को हम मल्टीप्लाई करें जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव सिक्स ऐसे करके दुनिया में कुछ भी तो मेरे भाई डिजिटल सम कितना आएगा तो नाइन ही आएगा नौ को ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से गुना कर लो डिजिटल सम तुम्हारा कितना आने वाला है तो नौ ही आने वाला है इस बात को ध्यान रखना और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने फॉर्मूला बुक में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्लियर अप किया हुआ है

आएगा कि नहीं आएगा लेकिन आपको करने की जरूरत क्या आपको पता है किसी भी संख्या को हम नो से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा नौ ही मिलेगा उसी तरीके से यहाँ पर नौ को किसी से भी गुना कर लो नौ ही आएगा उसी तरीके से भविष्य में किसी भी संख्या को इससे क्या होता है बहुत अच्छे अच्छे सवालों को मेरे भाई बनाने में हमें फायदा मिलता है और मेरे भाई काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है उसके बाद हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन एग्जाम्पल्स को अभी हम करवाते हैं जो कि आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है ठीक है तो ये बात ध्यान रखना कि नौ को किसी से जोड़ तो यहाँ पर कितना आता है वही संख्या आती है जो खुद होती है और 9 को हम किसी से गुना कर ले तो कितना आता है 9 आता है यही सारी बातें आपके फार्मूला बुक में तरीके से मेंशनड है पीडीएफ के अंदर में सारी बातें जो हैं वो हमारी दी गई हैं अब फटाफट हम क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं चाहता हूं आप लोग यहां पर जो है डिजिटल सम ये सब तो सीखे लिया आप लोगों ने ठीक है अब इसके मेरे भाई एप्लीकेशंस पर होते हैं वो समझो डिजिटल सम को हम कहां -कहां पे और किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसे अप्लाई कर पाएंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हमारे वो हमारे क्या होते हैं देखिए तो हम बोलेंगे सर जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं किस प्रकार होते हैं सर तो देखिए या तो हम सर यहाँ पर प्लस कर सकते हैं एडिशन में ठीक है दूसरा हमारा सर सब्ट्रैक्शन में तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन में और चौथा हमारा डिवीजन में हम डिजिटल सम को जो है यहाँ पर यही चार चीज़ें होती हैं बॉड मास में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यही हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए डिजिटल सम को जो हम अप्लाई करेंगे इन्हीं चार जगहों पर करेंगे या तो हम एडिशन में करेंगे सब माइनस में भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं डिवाइड में कर सकते हैं तो पहले हम आपको एक एक पॉइंट ले लेकर

पास प्राइम है तो उनको एक सौ अस्सी में, में जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं पहली बार किसी नए आईडी से डी से मंगाएंगे उनको भी किताब एक सौ अस्सी रुपए में मिलेगी उनके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा तो मंगा जरूर लेना दोस्त यहां पे ठीक है <coughs> तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो तेरह को पच्चीस तेरह को बारह से गुना जोड़ने में, में मेरे भाई कितना आता है पच्चीस आता है आता है ना मैंने कहा डिजिटल सम को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम को राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर चेक करके देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो बोलोगे सर देखते हैं ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तो ये तुम्हारा एल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इक्वल के जो लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट में है राइट हैंड साइड ठीक है तो यहां पर हम इनका डिजिटल सम देखते हैं तो टू प्लस फाइव हमारा कितना हो जाएगा, जाएगा? तो जाएगा सात तो हो, हो जाएगा तो बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है लेफ्ट साइड वाले का डिजिटल सम राइट वाले डिजिटल सम के साथ मैच कर रहा है मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं है सर ठीक है तो इसको हम सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे तो जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर वन हमारा ये चार संख्या मेरे भाई पांच संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर और इनको जोड़कर बताना है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है ठीक है अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको यूनिट डिजिट के कॉन्प्ट से बना लें तो आप इसका यूनिट डिजिट 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 जोड़ोगे तो साथ आएगा और सही से देखो तो चारों ऑप्शन में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो साथ है इनफैक्ट जो चारों ऑप्शन टेंस डिजिट है वो भी हमारा सेम है अब भाई कैसे बनाओगे तो बोलोगे सर देखिए यही तो फ़ायदा है डिजिटल सम सीखने का हमारे पेपर में ऐसा कैलकुलेशन आता है और ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर एसएससी में आएगा बैंकिंग में नहीं भारत का कोई भी वन डे कम्पटेटिव एग्जाम क्यों नहीं है भाई कोई भी वन डे कम्पटिव एग्जाम एनडीए हो गया आपका एसएससी हो गया बैंकिंग हो गया रेलवे हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं उन्हीं को छाटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है कैसे करता है जरा वो देखो तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं डिजिटल सम निकालते वक्त नौ को कंसीडर मत करिएगा उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है आठ जमा चार आठ जमा चार कितना हो गया सर तो बारह हो गया ठीक है यहाँ पर पांच और चार नौ बन रहा है मत लीजिए छ प्लस दो हमारा कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। नौ मत दो प्लस छात्र और चार नौ मत लीजिएगा तो दो हो जाएगा उसके बाद तीन चार और दो हमारा कितना हो जाएगा छ हो जाएगा आप अगर ये दो प्लस एक को मेरे भाई तीन भी लिख दोगे ना तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने आप इसको तीन लिख सकते हो अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो तीन और आठ हमारा ग्यारह हो गया ग्यारह आठ हमारा उन्नीस हो गया उन्नीस और दो हमारा इक्कीस हो, हो गया और हमारा तो हम हम सारे ऑप्शन के सारे डिजिटल हम निकालते हैं तो हम बोलेंगे सात एक आठ और एक खत्म कितना आ गया छे आ गया सात और दो नौ खत्म छ प्लस एक हमारा सात आ गया ठीक है छो खत्म सात और एक कितना ठीक है मेरे भाई छे और चार दस दस और एक एक ग्यारह ग्यारह सात अठारह अठारह को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आएगा आप इस नौ को जीरो भी कह सकते हो इस नौ को भी जीरो, कह सकते और जीरो, जीरो जो है, आप अपना यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठ कर ये कितना था क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया तो डिजिटल समझ माध्यम से आ गया आप बोलोगे सर ये जादू है क्या बिल्कुल जादू है आप यहां देखते चलो अब इतनी बड़ी संख्या मैंने आपको दे दी ऊपर से मैंने दशमलव जो है वो और दे दिया समझ में आ गया बात यहाँ पे ये यह सारे डेसिमल दे दिए हैं देखो यहाँ पर इसमें कोई डेसिमल नहीं है इसमें कोई डेसिमल नहीं है इसमें नहीं है लेकिन यहाँ डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है अब जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करके बताओ हर एक पॉइंट आपके डिजिटल सम का जो है वो आपके फार्मूला बुक में दिया गया है इस तरीके से कि अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़े तसली से पढ़े तो उसको सारी बातें फार्मूला बुक के अंदर में मिलेगी और मेरे भाई यहाँ पर जो है बेनिफिट पहुँचेगा उसको ठीक है तो आप यहाँ देखिए डिजिटल भाई क्या बोलोगे बोलोगे सर देखो ये हमें आंसर लेकर आना है यूनिट जिट के आधार पर सवाल को हम सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी का यूनिट जिट सेम है सभी का सर सेम है तो हम बरे तो कैसे करें फंस गए यहाँ पे तो बोले काये फंसे हो तुम टेंशन मतलब जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले उसके ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाला करो ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे भाई जो है यहाँ पर अगर सेम आ जाए तो वहाँ हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं लेकिन अगर ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं तो हम वहाँ लगा सकते हैं पहले यहाँ इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो बोलेंगे सर देखिए आठ और एक नौ नौ बनाना है और काट देना है नौ बनाना है और काट देना है सर छः के साथ तीन नौ बना देगा काट दीजिए पाँच के साथ चार नौ बना देगा काट दीजिए आठ के साथ एक नौ बना देगा काट दीजिए अब आठ और सात पंद्रह गया सर आठ और सात कितना हो गया पंद्रह और पंद्रह को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छ हो जाएगा सर कितना हो जाएगा छ हो जाएगा पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आया आया अब कुछ इतने अच्छे बच्चे होते हैं इतने मेरे भाई यहां पर जो है खतरनाक होते हैं कि वो क्या करते हैं सारे ऑप्शंस का जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के डिजिटल सम निकालते हैं बट मेरे भाई यहां पर आपको दिमाग लगाना था और दिमाग आपको क्या लगाना था आपको ये बात सोचना था सर देखिए ना हमारा जो ये वाला ऑप्शन हुआ है ना इससे एक ही तो ये ज्यादा है मतलब ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में कोई फर्क नहीं है आप देखो वन है तो वन है आठ तो आठ है तो है है तो सात चार चार आठ आठ एक एक पाँच पाँच आठ आठ सर इससे एक ज्यादा है तो अगर इससे एक ज्यादा है तो इससे भी एक ज्यादा आएगा यानी कितना आएगा सर सात आएगा समझ गए उसी तरीके से चार से एक पांच बाकी सारे डिजिट सर सेम है इससे एक ज्यादा है तो इससे भी एक ज्यादा सर ये आठ आएगा उसी तरीके से इससे एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा नौ आएगा आपको चारों ऑप्शन के डिजिटल हम नहीं निकालने हैं बिल्कुल भी नहीं निकालना है एक का निकालिए और उसके आधार पर देखते चलिए यहाँ पर सारे डिजिट सेम थे सिर्फ एक एक अंकों का बदलाव किया गया था तो एक का डिजिटल सम निकाल और उसके आधार पर हमने सारे के सारे लिख दिए ठीक है पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई, आप पे। अब आ तो अगर हम बात करते हैं, तो हैं।, हैं, तो हैं। पांच में हम चार देंगे नौ हम देंगे, हो गया और छह तेरह हो गया तेरह और आठ हमारा इक्कीस इक्कीस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा भाई इक्कीस को जोड़ोगे तो कितना आएगा तीन ही तो आएगा यहाँ पे ठीक है अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं ये देखो पाँच और चार हमारा खत्म हो गया छे और तीन हमारा खत्म हो गया दो प्लस एक कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा नौ हमारा खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो बोलेंगे सर सात और नौ हमारा सात और दो नौ खत्म हो गया आठ और छह चौदह चौदह और पांच हमारा उन्नीस चौदह और पांच कितना होता है उन्नीस उन्नीस को जोड़ते वक्त नौ को लेना है नहीं लेना है तो मात्र हम एक लेंगे सर ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बोलोगे सर डेसिमल है भाई डेसिमल हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उससे डेसिमल को आप काउंट ही मत करो आप देखो ही मत पांच और चार नौ खत्म एक प्लस दो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर तीन दो पांच और एक कितना आ जाएगा छह आ जाएगा अब यहां देखते चलो सही से तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे तीन तीन छीन नौ नौ बनते ही सर क्या करना है खत्म कर देना है तो सिक्स प्लस वन कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का आंसर सेवन है ऑप्शन नंबर बी का आंसर सेवन है ये हमारा करेक्ट आंसर है नहीं यकीन हो तो एक काम करो कैलकुलेटर उठाओ जोड़ो और उसके बाद देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा मैंने बहुत पहले ना भाई मैंने सोचा था कि मैं डिजिटल सम पढ़ाऊ क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे मैं सी में सेलेक्टेड हूँ मेरा सी

से पढ़ाएं बच्चों को जाके हमने तो अपना सिलेक्शन ले लिया अप्लाई करके उसके बाद मेरे मन में था कि हम बच्चों को कैसे कराएं यार डिजिटल सम उन्हें कैसे सिखाए हमने सीखा हमारा सिलेक्शन हो गया आज हम सेलेक्टेड हैं बढ़िया से कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे घर वाले खुश हम खुश बढ़िया हैं बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो तो इसीलिए जब मैं फॉर्मूला बुक लिख रहा था तो इस बात को मैंने ध्यान में रखा कि कुछ ऐसा दीजिए ताकि सालों साल बच्चों के पास वो चीज़ रहे वहाँ पर और उनका वो फायदा हो पाए तो एक तो फार्मूला बुक मैं आपको दे दिया और दूसरा आज मैं यूट्यूब पर वीडियो करवा रहा हूँ क्योंकि इसका कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है एक तो होता है कि चीजें आपको आती हैं और दूसरा होता है कि आप इसको दूसरों को कैसे समझा सकते हो तो दूसरों को समझाने के लिए मेरी नानी याद आ गई मुझे बस इतना समझ लो लेकिन फाइनली हमने इसे कर दिखाया ठीक है आप लोग भी सीखो इसे डिजिटल सम इतनी प्यारी चीज रह है कभी भी दशमलव का मेरे भाई छह सौ हो या फिर मेरे भाई जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स हो मेरे भाई सब का डिजिटल सम छ ही होता है इसका भी छह होगा इसका भी छह होगा इसका भी छह होगा इसका भी छ होगा इसका भी छ होगा तो इसीलिए दशमलव से या जीरो से डिजिटल संपर्क कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप लोग अपने लाइफ में ध्यान रखेंगे ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आता है कि क्या हम सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम लगा सकते हैं प्लस में तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है क्या हम माइनस में से अप्लाई कर सकते हैं हाँ भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप इसे माइनस में आप छोटी सी बात को देखो यहाँ पे जैसे मानो एक एग्जांपल के तौर पे आपको 88 में से माइनस करना है थर्टीन को? को तो आपका कितना आना चाहिए सेवनटी क्या एक बार हम यहाँ वेरीफाई करके देखें डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं तो चलो वेरीफाई करते हैं इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट वाले पार्ट को हमने आर कहते हैं यहाँ पे हमारा अगर डिजिटल

लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो रहा है लेफ्ट का जो अंकों का योग है सर वो राइट के अंकों के योग के बराबर है कहीं कोई परेशानी हमारी नहीं है तो जरा एक सवाल हमने छोटू मोटू सवाल पहले आपको दिया है ये छोटू मोटू सवाल में मुझे आप सभी से आंसर चाहिए कि कौन सा वाला ऑप्शन का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ पर इस संख्या में से इसको माइनस करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से ठीक है बताइए आ जाइए तो बोलेंगे सर देखिए इतना आसान पॉइंट है सर यहां देखिए जोड़ते वक्त घटाते वक्त कभी भी नौ को कंसीडर नहीं करना होता नहीं लेंगे उसके बाद आठ और पांच ठीक है आठ और पाँच सर हमारा कितना हो गया तेरह तेरह छह कितना हो गया सर उन्नीस हो गया ठीक है और उसके बाद पाँच और चार खत्म करिए सर छे और दो हमारा कितना हो गया आठ हो गया उन्नीस में से अगर हम आठ घटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर ग्यारह हो जाएगा और ग्यारह का डिजिटल सम कितना होता है सर दो होता है ये हमारा डिजिटल सम है एक बार ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम दो है तो बोलेंगे सर देखो छ और एक सात सात पांच बारह ठीक है और बारह को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा तीन सर और छ्यारह ग्यारह को आपस में जोड़ेंगे आएगा सर दो छह दस दस को आपस में जोड़ेंगे आएगा एक छीन नौ हो जाएगा सर नौ से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा डिजिटल सम कितना आया है दो आया है और यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है डिजिटल सम दो है तो ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा कितना है सर बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे ठीक है ये बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट मैंने कहा ना तरीके से मेरे भाई हमने फॉर्मूला बुक में सारी बातें यहां पर जब नेक्स्ट पेज में जाओगे ना तो नेक्स्ट पेज में जाओगे तो यहां तरीके से लिख रखा है सब्ट्रक्शन में देखो फार्मूला बुक में मैं सैम्पल पीडीएफ आज आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा ताकि जो बच्चे डिजिटल सम पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान ना हो और वो फार्मूला बुक में पूरा जितना भी डिजिटल सम का टॉपिक दिया गया वो पढ़ पाए सो so, सब्ट्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो सेम बातें सारी बातें क्योंकि देखो पता है क्या अभी मैं बोल रहा हूँ वीडियो में तो आपको समझ में आ रहा है बट बाद में रिविजन करने के लिए यही पीडीएफ आपके काम में आने वाली है तो आज के डेट में जो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स भाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल उसमें से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है <coughs> आपको मिल जाएगी फाइल ठीक है ताकि वो लैंग्वेज आपको क्लेरिफाई करवा पाए आइए चलिए एक क्वेश्चन और हमारा देखिए अब ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा दशमलव डाल दिया कि भैया इस संख्या में से तुम इस संख्या को घटाओ और दशमलव का खेल है ठीक है इस संख्या में से इस संख्या को घटाओ यहाँ पर अच्छा एक और बात इस पीछे वाले क्वेश्चन में कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया होगा जिन्होंने यहाँ पर मेरे भाई उन्नीस आते ही मुझे पता है ठीक है उन्नीस आते ही यहाँ पर क्या किया होगा उन्नीस नो को गायब कर दिया होगा उन्होंने ये मुझे पता है 19 आते ही नो को गायब कर दिया होगा क्योंकि उनका कहना होता है कि सर 19 में आप नो को जीरो मान लीजिए तो कहा जोड़ते वक्त घटाते वक्त नौ को शून्य मान लिया जाता है तो यहां सर आप जीरो मान लीजिए तो तो ये सर हमारा उन्नीस जो था सर जो हमारा उन्नीस था वो वन में कन्वर्ट हो गया अब वन में से माइनस एट करेंगे तो कितना आएगा माइनस सात आएगा कितना आएगा मेरे भाई यहां पर माइनस सात आएगा तो कभी भविष्य में डिजिटल सम निकालते वक्त

ठीक है आ जाओ चलो एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे इस बात पर मेरे पे भरोसा रखो आप अगर सेशन खत्म होने के वक्त तक आपके मन में कोई डाउट रहा तो मेरे से कह देना आ जाओ अब ये देखो दशमलव में मेरे भाई माइनस है अब दशमलव में माइनस है तो यहाँ पर जो है इसको कैसे सॉल्व करोगे एक और बार डिजिटल सम का एक सेशन नहीं होगा कम से कम तीन सेशन होंगे मेरे भाई यहाँ पे पहला जो सेशन होगा वो एकदम बेसिक सेशन होगा जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ पार्ट नंबर वन इसमें क्या होगा कि डिजिटल सम को आप मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में में इनमें कैसे अप्लाई करते हो वो सीखोगे पार्ट नंबर टू में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट नंबर में मेंस लेवल के क्वेश्चंस सारे के सारे हम लोग करेंगे आइए तो आप यहाँ बोलोगे सर डिजिटल सम अप्लाई करना है कैसे करना है सर नौ को खत्म करिए आठ और एक हमारा नौ खत्म करिए ठीक है छह पांच ग्यारह ग्यारह तो तेरह यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा तेरह उसके बाद पांच और चार हमारा नौ खत्म करिए सर ठीक है उसके बाद यहाँ छः और छः बारह बारह पाँच सत्रह सत्रह दो उन्नीस तो ये कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा अब सबसे बड़ी बात यहाँ तीन प्लस एक हमारा कितना हो जाएगा चार और नौ को आते ही नौ को हम काट देते हैं तो ये वन हो जाएगा फोर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा डिजिटल सम हमारा कितना आ गया तीन आ गया सर डिजिटल सम कितना आ गया तीन अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है सर जिसका अंकों का योग तीन है जिसका अंकों का योग तीन है तो नौ खत्म नौ खत्म पांच और चार नौ खत्म सात प्लस पांच मेरे भाई बारह और बारह को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा सर ये हमारा तीन दे रहा है बोलोगे सर बाकियों की क्या कहानी है तो बाकियों की कोई कहानी ही नहीं है मेरे भाई इससे सारे डिजिट ये मैच कर रहे हैं बस यहाँ चार है और उससे एक कम है एक देखो पाँच की जगह पाँच पाँच की जगह पाँच नौ के जगह नौ नौ के जगह नौ इससे एक कम है तो इससे भी एक कम होगा यानी कितना होगा दो होगा इससे ये एक कम है तो इससे एक कम ये हमारा एक होगा इससे एक ये कम है तो इससे एक कम मेरे भाई जीरो होगा हमारे जो सवाल है उसका डिजिटल सम तीन आया है और हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसका सम तीन आया है यानी हमारा ऑप्शन

नौ जोड़ देते हैं वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है अब सोचिए कितना बड़ा सवाल मेरे भाई यहाँ पर अब ये इतना बड़ा सवाल है इस बड़े से सवाल को आप आसान तरीके से कैसे बनाएंगे कैसे अप्लाई करेंगे डिजिटल सम को आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान काम है हम अपने सवालों का डिजिटल सम निकालते हैं तो देखेंगे सर यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन है आप समझ पा रहे हैं इस बात को ये डिजिटल डिजिटल सम का जादू है यही मेरे भाई जादू है यहाँ पे ठीक है आप देखिए तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है नौ खत्म कर दीजिए आठ और एक हमारा नौ खत्म कर दीजिए सर सात और दो हमारा नौ खत्म कर दीजिए छ और तीन हमारा नौ खत्म कर दीजिए फाइव और प्लस फाइव टेन टेन का मेरे भाई कितना होता है तो वो नहीं आप टेन को चाहो तो टेन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सात के साथ दो खत्म सर पाँच और चार नौ हो गया सर छः और तीन नौ हो गया फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो सिक्स लिखो यहाँ पे सर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइव प्लस फोर नाइन खत्म एट प्लस वन नाइन खत्म ठीक है और मेरे भाई कुछ होगा तो दो दो चार और एक हमारा पाँच होगा सर तो ये हमने पाँच यहाँ पर रख लिया है अगर हम सही में देखेंगे तो ये हमारा वन हो जाएगा और छः और पाँच हमारा कितना होता है ग्यारह होता है ठीक है दोस्त माइनस छः और माइनस पाँच माइनस ग्यारह होता है और माइनस ग्यारह को यदि हम जोड़ दें तो वन प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा टू हो जाएगा अभी देखते चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन में और लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा बोलोगे सर ये दस के लिए आप यहाँ वन लिखिए और ये हमारा ग्यारह लिखिए फिर उसके बाद यहाँ वन माइनस कितना लिखिए टू वन माइनस टू का मतलब माइनस वन अब माइनस वन आ गया तो हमने क्या कहा था लास्ट में जो भी आएगा उसमें क्या कर देना नौ जोड़ देना तो नौ में से घटा दो तो कितना आएगा आठ अब ज़रा देखो कौन सा ऑप्शन का तुम्हारा डिजिटल सम जो है वो आठ है कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम आठ है जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा हमारा तो हमने कहा सर देखिए आठ और एक नौ खत्म नौ खत्म ठीक है चार तीन सात एक आठ और एक नौ खत्म सर ये हमारा कितना आ रहा है आठ आ रहा है लेकिन सर अभी तो हमने एक ऑप्शन का डिजिटल सम निकाला है अभी तो सर हमें सारे के डिजिटल सम निकालने हैं तो वही बात है मैं ये बोलूंगा कि यार पहले ऑप्शन से बाकियों को कंपेयर करके देखो क्या पता सारे डिजिट सेम हो और एक ही डिजिट का अंतर हो तो बोलोगे सर देखो सारे डिजिट आठ 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 जीरो 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 एक 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 नौ 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 चार 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 एक एक तीन 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 एक 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 बस सर यहाँ फर्क है इससे एक ये ज्यादा है तो आठ से एक ज्यादा नौ इससे सर दो कम है तो इससे दो कम मेरे भाई सात आ गया ठीक है इससे सर एक कम है तो इससे एक कम हमारा आ गया समझ गया बात को कितना आ बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है अब जल्दी से बताओ मेरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग मजा आ रहा है डिजिटल सीखने में बोलिए अनुज कुमार राजपूत अजीत कुमार सभी भाई बताइए <coughs> सालमा ठीक है हाँ सर हाँ सर हाँ सर यानी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा यार मेरे पास ऑफलाइन में भी काफ़ी सारे बच्चे आएंगे नॉर्मल क्लासेस में भी काफ़ी सारे होता क्या है सर ये डिजिटल डिजिटसम कैसे अप्लाई करते हैं वो कन्फ्यूजन जो रहेगा ना वो हद से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे और मुझे पता है कि जिस बच्चे ने इसको सीख लिया जिस बच्चे ने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली वो मेरे भाई कोई भी कैलकुलेशन को सेकेंड में उड़ा सकता है किसी भी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स वो उड़ा पाएगा यहाँ पे अब जैसे आज ये यहाँ पे बात करते हैं हमने दो पार्ट सीख लिया हमने क्या सीख लिया कि हम एडिशन में डिजिटल सम को कैसे लगाते हैं मैंने कहा था ना चार पार्ट होते हैं एक हमारा होता है प्लस इसके अंदर हमने सीख लिया एक होता है माइनस हमने इसके अंदर सीख लिया अब आता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हम डिजिटल सम कैसे लगाते हैं और यदि आप इसको सीख लेंगे तो उसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के सवाल भी देंगे ठीक है जो कि बहुत बेहतरीन लेवल के होंगे ठीक है तो आइए मल्टीप्लाई में जरा हम देखें यहां पर ठीक है तो थर्ड केस हमारा क्या बनता है थर्ड केस हमारा बोलता है मल्टीप्लीकेशन पूरा मेरे भाई डिटेल में मैं सारी बातें आप लोगों को ये फॉर्मुला बुक है बता रखी है पीडीएफ जब देंगे तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे तो क्या दिया गया जरा मल्टीप्लीकेशन वाले केस में आप लोग थोड़ा पढ़िए पे अगर पढ़ पा रहे हो तो बोला गया पहले हम पहली संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे हम दूसरी संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे इस प्रकार प्राप्त दो अंकों के योग को गुना करेंगे यदि प्राप्त अंकों का योग गुणनफल के अंकों के योग के बराबर होता है तो हमारे उत्तर को सही माना जा सकता है कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे पूरी दुनिया को पता है कि को तेरह से गुना करने पे एक सौ पंचानवे आता है आता है भाई यहां पे अब ये एक आता है तो क्या करोगे तो पहले यहां पर इसका अंकों का योग पता करोगे तो फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा इन टू थ्री प्लस वन मेरे भाई कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा छ को चार से गुना करने पे कितना आता है मेरे भाई तो छह को चार से गुना करने पर चौबीस आता है और चौबीस को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा छ हो जाएगा और जरा मेरे भाई इसको जोड़ के देखना नौ को मतलब फाइव प्लस 1 कितना हो जाएगा छ हो जाएगा तो वहीं कहा गया है मेरे भाई कि पहले हम पहली संख्या के अंकों का योग निकालेंगे फिर हम दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा उसके अंकों का योग निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट साइड का डिजिटल सम हमारे राइट साइड का डिजिटल सम के बराबर है मतलब एक एक शब्द को पिरोया गया है पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं और सारी बातें जो है यहाँ पर बयान की गई है ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर कि हमको मल्टीप्लाई करना है मैं आपको एक छोटा सा सवाल मेरे भाई यहाँ पे दे रहा हूँ ये सारे फॉर्मुला बुक में दिए गए हैं जिससे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं सिर्फ एक छोटू सा सवाल यहाँ पे और मैंने कहा यार अप्लाई करके बताओ सात सौ छियासी इंटू एक सौ आठ इंटू नाइन एट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई करके बताना जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा बोलोगे सर यूनिट जिट से देख लेंगे भाई यूनिट जीट क्या टें डिजिट पर भी नहीं देख पाओगे क्योंकि चारों ऑप्शन के यूनिट जिट सेम है चारों ऑप्शन के टेंथर्ड डिजिट सेम है अब ऐसे में एक बच्चा जो

हर एक संख्या का डिजिटल निकालो इसका अलग निकालो फिर इन का साइन है इन रखो आठ प्लस एक तुम्हारा नौ हो गया नौ ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकी मेरे भाई इस सवाल को तो और सेकंड में कर लो पूछो कैसे बोलो यार सर का है उतना मेहनत कर रहे हो देखो यहाँ पे इसका डिजिटल कितना है सर नाइन है और आप ही ने तो पढ़ाया था कि नौ को दुनिया की किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए नौ को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए मिलना कितना है सर असर ही मिलना है नौ को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए मिलेगा कितना नाइन मिलेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल नाइन आ रहा है तो नौ को खत्म नौ को खत्म ठीक है उसके बाद यहां पर छः के साथ हमारा तीन मेरे भाई खत्म हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर और कहीं ऑप्शन बचेगा <coughs> तो बचेगा आठ और आठ सोलह सोलह और पाँच इक्कीस इक्कीस और सात हमारा कितना अट्ठाईस अट्ठाईस और आठ हमारा छत्तीस और यदि हम छत्तीस को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा नाइन आएगा कितना आएगा मेरे भाई तो नाइन आएगा हमारे सवाल का डिजिटल सम हम नाइन है हमारा ऑप्शन नंबर ये नाइ नहीं ना, यानी यही हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर है आप बोलोगे इसे कहीं से सर बाकी ऑप्शन भी आप चेक करो चेक कर लो भाई मेरे यहाँ पर इसके सारे डिजिट इसके सारे डिजिट से सेम है बस यहाँ तीन से एक ज़्यादा है तो नौ से एक ज्यादा ये दस होगा इससे एक ज्यादा है तो ये ग्यारह होगा इससे एक ज्यादा है तो बारह होगा नौ का मेरे भाई नौ लो लोगे वन प्लस जीरो वन हो जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा वन प्लस टू थ्री हो जाएगा हमारा कितना आया है तो नाइन और है कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन नाइन तो याद रखना दोस्तों कई सारे सवाल आप लोग अरिथमेटिक में सॉल्व करते हैं सिम्प्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं इसी प्रकार मेरे भाई मैंसूरेशन में भी सॉल्व करते हैं तो जहाँ पर भी किसी भी संख्या में याद रखना कि वही आंसर जिसका जैसे में हम क्या करते हैं उस ऑप्शन को सही मानते हैं जो ग्यारह का मल्टीपल है उसी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन करोगे जहां पर भी नौ या नौ का मल्टीपल दिख जाए तो वहां पर वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका सम नाइन है जैसे मानो कल के दिन मुझे भविष्य में गुना करना पड़ना पड़े मैं यहाँ पर गुना करूंगा 213 को और मैं किससे गुना करूंगा तो मेरे भाई 4563 से और इनटू मेरे भाई मानो सिर्फ इतना ही से गुना करूंगा और मेरे भाई चार ऑप्शंस हैं पहले ऑप्शन का डिजिटल सम आठ है दूसरे का नौ है तीसरे का सात है ये छे है आंसर कितना होगा तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर इस वाली संख्या का डिजिटल सम कितना है नाइन है छ और तीन नाइन पांच और चार नौ सर या तो जीरो कह लो या फिर क्या कह लो नौ और नौ को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है तो नाइन ही आता है यानी वही ऑप्शन ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम नाइन होगा सर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा तो नौ होगा जैसे एक और एक क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट यहाँ सॉल्व कर दो सी जी एल तीन बारह दो हज़ार बाईस तीन फरवरी दो हज़ार बाईस में पूछा गया क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा गया नाइन्टी फाइव को एक से गुना करके बताइए ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए ठीक है अब हमें क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना अगर मल्टीप्लाई ही करना होता तो क्या जरूरत थी डिजिटल सम का सेशन को सीखने की कोई आवश्यकता थी नहीं थी ना यानी मेरे भाई हमें मल्टीप्लाई तो नहीं करना है मतलब हमें सही तरीके से सीखना है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं क्या है जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो भाई यहाँ पे ठीक है लाइक करते रहेंगे लाइक करना छोड़ना नहीं है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 95 में 9 को सर गोली मारिए कितना आ गया सर पाँच आ गया यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर फाइव प्लस वन कितना आ गया सर सिक्स आ गया पाँच को छः से गुना करेंगे तो सर आ जाएगा तीस तीस का मतलब कितना हो गया सर तीन हो गया तो डिजिटल सम कितना आया सर मेरा तीन है मेरे अंकों का योग कितना आया है सर तीन आया है अब जरा एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल तो चाहो तो तुम नौ लिख लो या फिर चाहो तो जीरो छः पांच ग्यारा, एक ग्यारह ग्यारह को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दो आएगा ठीक है नौ खत्म नौ खत्म पाँच प्लस तीन कितना आएगा तो आठ आएगा नौ खत्म नौ खत्म सात प्लस पांच बारह हमारा और बारह को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा अब आप ही लोग बताइए हमको कौन सा ऑप्शन आंसर है बोलेंगे गुरुदेव आपका तीन आया है और ऑप्शन नंबर डी है सर यही हमारा क्या है 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 आंसर आंसर यही सर हमारा देखिए एकदम बिल्कुल सामने है ठीक है तो दिख रहा है ना कि मल्टीप्लीकेशन में आप डिजिटल सम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं चलिए एक भयंकर लेवल का मल्टीप्लीकेशन हमने आपको दिया और उस मल्टीप्लीकेशन में हर संख्या के अंदर हमने दशमलव डाल दिया अब बताइए मुझे इसका मेरे भाई आंसर कितना होगा दिख रहा आपको यहां है आपको यहाँ भी दशमलव है यहाँ भी दशमलव है यहाँ भी दशमलव है तो फटाफट मुझे बताइए अगर नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे कर लो जाके लेफ्ट में राइट में गुना और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन मेड नहीं है हर क्वेश्चन मेरे भाई कोई ना कोई पेपर में पूछा गया अधिकतर बैंकिंग में सबसे ज्यादा पूछा गया है एसएससी में पूछा गया है या कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते वक्त जो कैलकुलेशन आता है उस कैलकुलेशन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया है और तब मैंने कहा लो सॉल्व करके बताओ क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन सोल्व तो कर लेते हो कैलकुलेशन आता है तो वहां छोड़ के आगे बढ़ जाते हो और वो आपका समय का वेस्टेज होता है ठीक है तो बताइए जितने बच्चे दुर्गा पूजा की मेरे भाई शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं ठीक है बताइए क्या बोलेंगे बोलेंगे सर इतना आसान इतना आसान इतना आसान देखिए सर यहाँ पे हम बोलेंगे सर सात और दोनों खत्म हो गया सर तो यहाँ कितना बच गया सर तीन बच गया दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता सर नहीं काउंट करेंगे दशमलव सर फर्जी चीज होती है दशमलव मल्टीप्लाई में सेवन प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा एट हो जाएगा सर नाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है छः चार दस दस आठ आठ अट्ठारह और लो बबुआ अठारह आ गया अठारह का मतलब कितना होता है नौ होता है और मेरे भाई नौ को तुम किसी भी संख्या से गुना कर लो डिजिटल सम हम तुम्हारा कितना आना है नाइन ही आना है नाइन को किसी भी डिजिट से गुना कर लो आना कितना है नाइन ही आना है अब वो ऑप्शन देख लो जो मेरे भाई नाइन आंसर देगा तो चलिए नौ के खोज में निकलते हैं। और तीन नौ बना गया। नौ हमारा नौ बना गया। और एक नौ बना गया अब क्या करोगे तो उन्नीस में नौ को काउंट करोगे बिल्कुल भी नहीं यानि ये कितना आएगा तो वन आएगा ठीक है क्या सभी ऑप्शंस के हमारे डिजिट तो बोलोगे नहीं सर देखिए इसमें से वन माइनस किया गया है इसमें से वन माइनस करो जीरो आएगा इसमें तीन जोड़ा गया है तो इसमें तीन जोड़ो इतना आएगा इसमें पाँच जोड़ा गया है तो इसमें पाँच जोड़ो कितना आएगा तो आठ आएगा अब यहाँ तो यहाँ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है तो बी जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बोलोगे सर बी जो है आप कैसे सही बोल दिए अरे ऐसे सही बोल दिए कि मेरे भाई जिसका डिजिटल सम नाइन आता है हम नाइन को हम यहाँ किसके बराबर करते हैं जीरो के बराबर भी मानते हैं तो नौ आ जाए या जीरो आ जाए बात हमारी बराबर होती है यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो आप ऑप्शन नंबर बी का आंसर नाइन ही है और कैसे नौ है देख लो यहाँ पे सात और छ तेरह तेरह तीन सोलह सोलह आठ चौबीस चौबीस आठ बत्तीस इकतालीस इकतालीस और चार हमारा कितना हो जाएगा पैंतालीस और उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा नाइन ही नहीं आएगा यह हमारा करेक्ट आंसर होगा तो चाहे नौ लिखिए चाहे जीरो लिखिए बात हमारी ये की है उससे कोई फर्क सवाल पर नहीं पड़ता है ठीक है अब आपने मेरे भाई तीन जगह पर सीख लिया डिजिटल सम प्लस में माइनस में और मल्टीप्लाई में अब आप सीखोगे कहाँ पे डिवाइड में ये मेरे भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिवाइड वाले केस में प्रॉपर तरीके से हमने फॉर्मूला बुक में सारी बातें बता रखी हैं कि जब मेरे भाई डिवीजन का केस आता है तो डिवीजन के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं बहुत ही प्यार तरीके से पढ़िए जरा फॉर्मूला बुक में क्या लिखा हुआ है पी हम आपको दे देंगे क्लास के बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है तो क्वेश्चन में बोला गया इन डिविजन द न्यूमरेटर डज नॉट इम्पैक्ट ठीक है डज डेंट बट इम्पैक्ट कहने का मतलब यहां पर इट्स अप टू डिनोमिनेटर यूज इन द एक्सप्रेशन आसान भाषा में थोड़ा समझाएं तो अंक योग विभाजन प्रक्रिया में हर अंकों के योग को निम्न रूप से ठीक है कोई भी हो सकता है जैसे कहने का मतलब कभी भी कोई भी संख्या है तो उस संख्या के नीचे वन भी आ सकता है उस संख्या के नीचे दो भी आ सकता है उसके नीचे तीन भी आ सकता है जैसे चार उसको मेरे भाई पांच से भाग करके बोल दे और चार ऑप्शन दे दे बोले बताओ कौन सा ऑप्शन सही है तो कैसे पता करोगे तो यानी किसी भी संख्या को इनमें से किसी से से भी संख्या भाग किया जा सकता है तो हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना अगर आपका यहां पर तीन आ जाए या आपका आ जाए, या आपका नौ आ जाए जो कि किसके मल्टीपल होते हैं तीन के मल्टीपल होते हैं ये भी तीन का मल्टीपल है ये भी तीन का मल्टीपल है ये भी तीन का मल्टीपल है तो जहां पर दोस्त हमारा तीन का मल्टीपल आ जाता है तो पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं ठीक है अगर कट जाए तो बहुत बढ़िया बात है डिजिटल सम हम नगा लेना और अगर नहीं कटे तो बेसिक कैलकुलेशन से ही तुम्हें जाना पड़ेगा इस बात को ध्यान रखो बेसिक कैलकुलेशन से ही जाना पड़ेगा नहीं तो मेरे भाई और कोई ऑप्शन नहीं है और जहां पर मेरे भाई नहीं कटेगा तो उसका उपाय क्या है उसका भी उपाय है उसका भी सॉल्यूशन है और उसके बारे में यहां पर पूरी जो कहानी है वो लिखी गई है जैसे मान लीजिए यहां पर कि इसको मेरे भाई इससे डिवाइड करने पर साथ आता है तो कैसे वेरीफाई करोगे साथ आएगा तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है सारी बातें पूरी पूरी दी गई है मैं थोड़ा अपने भाषा में आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे दोस्त यहाँ पर क्या करना है समझिए सारी बातें तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कोई भी संख्या है दुनिया की जैसे मानो कोई भी संख्या सर अगर उसके नीचे वन आ गया तो क्या करेंगे सर यहाँ पे ठीक है एक तो ये कहानी बन गई या किसी संख्या के नीचे सर हमारा दो आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किसी संख्या के सर नीचे हमारा तीन आ गया तो हम क्या करेंगे किसी संख्या के नीचे सर हमारा चार आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किसी के नीचे अगर पाँच आ गया सर कोई भी संख्या है पाँच आ गया तो क्या करेंगे छः आ गया सर तो हमारा क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे सात आ गया तो हम क्या करेंगे नीचे हमारा आठ आ गया तो हम क्या करेंगे उसके नीचे सर हमारा नौ आ गया तो हम क्या करेंगे देखो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है कोशिश हमारी क्या होती है एक बनाने की अगर मान लीजिए कोई बट्टा है उसमें एक अंश भी है और एक हर भी है तो हम उस हर को एक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम किसी भी तरीके से एक बन जाओ क्या बनाना है एक बनाना है अब एक बनाना है यहाँ पर तो आप लोग मुझे खुद बताओ ये तो ऑलरेडी वन है तो ऑलरेडी वन है तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं यानी ये अपने आप में सही है अब दो है दो है तो मेरे भाई क्या करोगे वन बनाओगे बट वन कैसे बनाओगे तो याद करो दो से पांच को गुना करने पर दस आता है और दस का डिजिटल सम वन होता है यानी कभी भी किसी भी संख्या को अगर हम दो से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो बोलेंगे सर अगर दो से भाग ही करना है तो नीचे भी पांच से गुना कर दीजिए और ऊपर भी पाँच से गुना कर दीजिए ऊपर में गुना करने पर क्या आएगा पता नहीं है लेकिन नीचे हमारा कितना बन जाएगा तो वन जरूर बन जाएगा सर हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा यानी कभी भी नीचे में अगर दो आता है तो ऊपर वाले को पांच से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना कभी भी नीचे अगर दो आता है तो ऊपर वाले को पांच से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान तरीके से सुनिएगा मेरी बातों को रिक्वेस्ट है हमारी ठीक है कि कभी भी अगर नीचे हमारा दो आता है तो ऊपर वाले में पाँच से गुना कर लीजिएगा उसी प्रकार कभी अगर नीचे पाँच आता है तो मेरे भाई पाँच आता है तो यहाँ पर पाँच को दस कैसे बना सकते हो तो पाँच को दो से गुना करके तो यहाँ पर दो से गुना कर लेना तो कितना बन जाएगा तो नीचे वन बन, बन जाएगा यानी आसान भाषा में बात करें तो दो आएगा तो किससे गुना करना है पाँच से और पाँच आएगा तो किससे गुना करना है तो मेरे भाई दो से दो आएगा तो पाँच से गुना पाँच आएगा तो दो से गुना ये इनकी पेयरिंग हो जाती है इनकी चालबाजी हो जाती है उसी तरीके से अगर चार आता है तो चार आता है तो चार को किससे गुना करते हैं चार आता है तो मेरे भाई सात से गुना करते हैं सात से क्यों गुना करते हैं ताकि नीचे कितना बन जाए सात चूँकि अट्ठाइस और अट्ठाइस का डिजिटल सम कितना होता है तो आठ और दो दस दस का मतलब कितना हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर one hog, yeah. ठीक है तो चार आएगा तो किससे गुना सात से तो अब जरा आप लोग उल्टा मुझे बताना चार आएगा तो सात से गुना करोगे तो सात आएगा तो किससे गुना करोगे चार से सात आएगा तो किससे गुना करोगे चार से यानी मेरे भाई यहाँ पर अगर सात आ गया तो किससे गुना करोगे तो सात आएगा तो मेरे भाई चार से हम गुना करेंगे यहाँ पे तो नीचे कितना आएगा वन तो जैसे दो और पांच का आपस में जुगलबंदी था तो वैसे मेरे भाई चार का किसके साथ होगा सात का होगा कि चार इंटू सात और सात इंटू चार मेरे भाई डिटेल्स हम कितना देगा तो वन देगा यहाँ पे ठीक है अब अगला पॉइंट यहां पर आते हैं और वो हमारा किसके बारे में आते हैं आर्ट के बारे में मेरे भाई आठ में यहाँ पर कहानी क्या होती है तो देखो आठ बोलता है हमको किसी का नीड नहीं है दो ने दोस्ती कर ली पाँच से हम धोखा खा गए चार ने दोस्ती कर ली सात से हम धोखा खा गए मेरा तो दुनिया में है ही नहीं कोई तो इसको कहा टेंशन क्यों लेता है तू अपने आप में पर्याप्त है मेरे भाई तेरे साथ कोई नहीं आ रहा है तो तू अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले आठ को आठ से मल्टीप्लाई करके देख ले भाई तो ऊपर क्या आएगा पता नहीं बट आठ इंटू आठ कितना हो जाएगा चौंसठ और चौंसठ को जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा तो वन आएगा यहाँ पे ठीक है चौंसठ को जोड़ेंगे दस होता है दस का मतलब डिजिटल सम वन होता है यानी मेरे भाई आठ किसके साथ जुगलबंदी करेगा तो आठ अपना खुद के साथ जो है वो जुगलबंदी करेगा के साथ ही करेगा यहाँ पे ठीक है दो पांच पांच दो चार सात सात चार आठ आठ याद रखना है अब बोलोगे इनका क्या करे सर इनका कुछ नहीं करना जब भी ऐसी कोई संख्या आती है तो यहाँ पर जैसे मानो तीन है तो ऊपर काटने की कोशिश करो नीचे मेरे भाई यहाँ पर वन क्योंकि आप है ना तीन को कभी किसी से गुना करके वन बना ही नहीं सकते हैं तो कोशिश करिए कि नीचे तीन से आप काट लें नीचे भी और ऊपर भी ताकि नीचे कितना बन जाए वन आप कोशिश करिए पूरा का पूरा ऊपर में काट दे और कम से कम छह ना काट पाए तो तीन तो इसको काट पाए कम से कम दो बार में ताकि नीचे दो रहे तो बाद में पांच से मल्टीप्लाई करके वन बना ले और तीन ऊपर भी काट ले मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर अगर नीचे नौ है तो नौ पूरा का पूरा ऊपर में काट देता है कि कितना बन जाए वन यानी दो तरीके से वन बनाया जा सकता है या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके तो मेरे भाई सभी जगह मल्टीप्लाई किया जाता है तीन छो के केस में डिवाइड किया जाता है तो हमारा वन बनता है अब बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो देखो दोस्त यहाँ पर सभी सवालों में हम इसे अप्लाई करते हैं और समझते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखते चलिए तो सबसे पहले सारे फॉर्मूला बुक के एग्जाम्पल हम आपको करवा रहे हैं जैसे मानिए केस नंबर वन न्यूमरेटर को वन से डिवाइड करना है तो क्या होगा तो मेरे भाई जैसे पता है हमें कि इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करने पे इतना आता है हम बस एक बार डिजिटल सम को वेरीफाई कर रहे हैं कैसे तो देखो इसका डिजिटल सम हम लोग निकाल रहे हैं पहले कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे सर देखिए नौ तो छोड़ दीजिए सर ठीक है आठ और आठ सोलह सोलह और तीन उन्नीस उन्नीस और दो हमारा इक्कीस इक्कीस हमारा ऊपर में आ गया सर और सात और तीन हमारा कितना आ गया तो दस आ गया दस का मतलब एक होता है। दो प्लस से कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा सर तो लेफ्ट साइड का चार कितना, कर कितना आ गया? तीन आ गया सर बराबर है कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अगर नीचे में हमारा वन आता है नीचे में हमारा वन आता है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है जैसा आया है वहीं उठाकर उत्तर रख देते हैं भाई ठीक है आ जाओ चलो अब मेरे भाई बात करते हैं यहां पर सेकेंड वाले केस के बारे में जब मेरे भाई नीचे कितना आ जाएगा तो नीचे वन प्लस वन हमारा टू आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो हमें यहाँ पर ये पता है इस संख्या को इससे डिवाइड करने पे यह आता है तो हम डिजिटल सम कैसे वेरीफाई करेंगे Osionfish. जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कल के दिन ऐसा हो मेरे भाई कि ये 213 मिटा दिया जाए यहाँ पर ये 213 नाम का कोई चीज़ ही ना रहे कहीं पर कोई 213 का जिक्र ना हो और मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा दिया गया हो देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया हो पहला ऑप्शन 212 है दूसरा ऑप्शन मेरे भाई 213 है तीसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर तीन है और चौथा ऑप्शन यहाँ पर चार है और बोला गया बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा हमने कह हो यार ये तो भयंकर चक्कर है भाई ठीक है यहाँ पर जो है हालत खराब हो जाएगी हमारी तो कैसे पता करें तो बोलेंगे सर डिजिटल सम जिंदाबाद है आप यहां देखिए ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालो चार तीन सात और दो नौ ऊपर कितना आ गया तीन आ गया नीचे कितना आ गया दो आ गया अभी सिखाया था कि जब नीचे दो आता है तो क्या करते हैं जब नीचे दो आता है तो ऊपर वाले में पांच गुना करते हैं और भूल जाते हैं ठीक है मतलब ऊपर नीचे पांच से गुना तो नीचे भी पांच से गुना ऊपर भी पांच से गुना तो जब ऐसा करोगे तो ऊपर में मेरे भाई पंद्रह आ जाएगा और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा दस आ जाएगा ऊपर में पांच प्लस एक को जोड़ोगे तो छह आ जाएगा नीचे वन आ जाएगा अब जरा देखना किस ऑप्शन का डिजिटल सम छे है तो बोलोगे सर दो दो चार और एक ही है सर पाँच है तीन दो पांच और एक ये हमारा छः है तीन तीन छ एक सात है चार तीन सात एक आठ है कौन सा ऑप्शन सही है सर तो ऑप्शन नंबर बी सही है यानी कभी भी किसी भी संख्या के मेरे भाई भाग में यहाँ पर आ जाएगा दो तो हम क्या करेंगे ऊपर में और नीचे में पांच से मल्टीप्लाई दो आएगा तो पांच से मल्टीप्लाई पांच आएगा तो दो से मल्टीप्लाई चार आएगा तो सात से मल्टीप्लाई सात आएगा तो चार से मल्टीप्लाई और आठ आएगा तो आठ से मल्टीप्लाई क्लियर है ये बात यहां पे ठीक है तो इसी के ऊपर क्वेश्चन हम आपको देते हैं जल्दी से मेरे भाई ये क्वेश्चन बताइए आप लोगों के सामने फटाफट ठीक है आंसर दीजिए आप लोग और मैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा इस बात को लेकर ठीक है कि पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बिल्कुल भी नहीं आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पता है क्या है दो आया है दो आया है तो देखो ऐसा नहीं भूलेंगे तुम इसको इससे काटो बिल्कुल भी नहीं काटो मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है काटने की सिंपल एज इट इज रखो यहां पे बिना काटे इस सॉल्व करेंगे ए, दो आठ आठ चार बारह बारह और दो चौदह यहाँ पर ऊपर में आ गया चौदह को जोड़ेंगे तो मेरे भाई पांच आ जाएगा तो सीधा कितना लिखेंगे पांच और बटे में कितना है दो नीचे तीन आता है तो काटते हैं तीन छो के केस में काटते हैं बाकी केसेस में नहीं काटते हैं आएगा तो काट दो चार बार में चार बार में और जीरो चार प्लस चार कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा पांच जरूरत नहीं है काटने की पांच पाँच दस पांच पंद्रह पंद्रह दो तो सत्रह सत्रह को जोड़ोगे तो आठ आएगा बट्टे में पांच अभी सिखाया था मेरे भाई किसी भी बच्चे को यहां पर कि जब नीचे हमारा कितना आता है नीचे दो आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पांच से तो यहाँ भी पांच से करो और यहाँ भी पांच से करो और नीचे पांच आता है तो मेरे भाई दो से करो और यहाँ भी दो से करो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके भूल जाओ मेरे भाई तो पांच इंटू पांच होता है पच्चीस

और आप लोग एको काम गलती कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए यहाँ पे ठीक है आ जाइए अब यहाँ पर देखिएगा जरा तो ये हमारा पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है परसेंटेज में पूछा गया था और सिंप्लीफिकेशन में भी पूछा जाता है बोला कि आप बताओ यहाँ पर कि इतना प्लस इतना माइनस इतना बराबर एक्स प्लस इतना एक्स का मान क्या होगा अब मैंने कहा यार है ना दुनिया को करने दो तो बेसिक कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे ऐसे बेसिक हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम आप भी लगाइए सर डिजिटल सम कितना आंसर आएगा तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए नौ खत्म आठ और दो दस दस और पाँच पंद्रह पंद्रह को जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा पाँच दो सात और एक हमारा आठ हो जाएगा नौ हमारा खत्म नौ हमारा खत्म ये हमारा चार हो जाएगा सर ठीक है ये हमारा हो गया एक्स सर ठीक है सात और पांच बारह बारह और छह अठारह मतलब पूरा पूरा मतलब, मतलब क्या जरूरत तो है मेरे भाई? नौ को लेने की. कितना हो जाएगा तुम्हारा आठ हो जाएगा माइनस पांच चार नौ खत्म तमाम आठ दो दस दस का मतलब एक हो जाएगा ठीक है अब यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए आठ और छह चौदह चौदह का मतलब कितना होता है सर पांच होता है 5 -4. और कितना कितना होता है हो X, X हो जाएगा 7 हो जाएगा चौदह का मतलब फोर प्लस होता है दोस्तों यहाँ पे अब जरा देखोगे तो बोलोगे सर फाइव माइनस फोर हमारा कितना होगा वन हो जाएगा वो माइनस यहाँ पर सेवन हो जाएगा बराबर हो जाएगा एक्स के सही से देखो तो वन माइनस सेवन यानी माइनस सिक्स बराबर एक्स अब एक बात बताओ जब भी डिजिटल सब माइनस में आता है तो क्या करते हैं जब भी डिजिटल सम माइनस में आता है तो क्या करते हैं तो बोलते हैं गुरुदेव यहां पर समझिएगा इस बात को माइनस में आ गया तो क्या कर देंगे नौ जोड़ देंगे तो माइनस छे में नौ को जोड़ देंगे तो कितना आ गया तीन और हमें यहाँ सर्च करना है कौन से ऑप्शन का डिजिटल हम तीन है अभी आपको सिखा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे करके जब आपकी रफ्तार बन जाएगी ना भाई विद इन सेकंड सवालों को उड़ाना सीख जाओगे बता रहा हूँ मैं विद इन से यहाँ पे अब जरा देखते हैं तीन हमारा किसके पास है तो बोलेंगे आठ और आठ सोलह सोलह और छ मेरे भाई यहां पर हो जाएगा बाईस आठ और सात पंद्रह पांच मेरे भाई हो जाएगा बीस यहाँ पे आठ पांच तेरह आठ आठ सोलह सोलह पांच हमारा हो जाएगा इक्कीस नौ खत्म आठ आठ सोलह जोड़ दो जमा दो चार ठीक है ये हमारा दो हो गया ये हमारा तीन हो गया ये हमारा सात हो गया अब बता दो हमारा डिजिटल सम कितना है हमारा आया तीन कौन सा ऑप्शन तीन है ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है एकदम सटीक आंसर है कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो इस तरीके से हम सवालों को हल करते हैं आइए आपको लगेगा यार एक ही क्वेश्चन है एक और हमारा सीजल में पूछा गया प्यारा सा सवाल है और सारे सवाल दोस्त फॉर्मूला बुक में आपके दिए गए हैं अभी तो हम परसेंटेज के भी क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे आपको बताइए जल्दी से पूरे से सवाल में मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा पूरे सवाल में आप बोलेंगे सर डिजिटल सम ही तो है देखो नौ खत्म आठ और सात पंद्रह पंद्रह और छः इक्कीस इक्कीस को जोड़ेंगे तीन आएगा नौ खत्म सर कितना आएगा सात आएगा नौ खत्म सर सात और पाँच बारह बारह और आठ बीस बीस का मतलब दो हो जाएगा इन टू सर ठीक है छः और छह बारह को जोड़ोगे तीन आएगा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखना प्लस है वो लिखो और मेरे भाई सी को तुम वन से गुना करो तो बात तो मेरे भाई सी है वन प्लस जीरो वन होता है किसी भी संख्या को वन से गुना करोगे तो वह ही आएगा ठीक है चेंज थोड़ी हो जाएगा भाई यहाँ पे अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया तीन इंटू सात सर कितना होता है तीन इंटू सात सर ट्वेंटी वन होता है इक्कीस होता है और इक्कीस को जोड़ेंगे तो आएगा सर ये माइनस कितना हो जाएगा छ हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा बराबर हो जाएगा सी के ठीक है पांच प्लस तीन आठ आठ में से छह गया तो दो आएगा सर यानी सी का मान कितना आएगा दो आएगा यानी वही ऑप्शन आंसर होगा सर जिसमें डिजिटल सम दो दिया गया होगा अब मेरे से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लाइक करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही है किस ऑप्शन का डिजिटल दो आ रहा है फटाफट लाइक करके बताओ जल्दी क्या बोलोगे बोलोगे सर नौ और नौ खत्म पांच और चार नौ खत्म आठ तीन ग्यारह ग्यारह को जोड़ेंगे सर कौन सा आएगा दो यही ऑप्शन सही आंसर है वो लोग बाकी को चेक नहीं करिएगा कर लीजिए सर यहाँ पे देखिए इसके सारे डिजिट यहां पर फोटो कॉपी किए गए हैं। इससे एक ज्यादा है तो दो में एक ज्यादा तीन हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर ठीक है यहाँ पर सही तरीके से देखोगे तो सर आठ का आठ है जीरो का जीरो है तीन का तीन है चार का चार है पाँच से तीन ज्यादा है पाँच से तीन ज्यादा है तो दो में तीन ज्यादा हमारा पाँच हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको कर लो ये खत्म ये खत्म मेरे भाई छः और आठ चौदह चौदह को जोड़ोगे तो पाँच आएगा सही ऑप्शन कौन सा है तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है बात खत्म मेरे भाई तो कभी भी अंकों का योग निकालने के लिए हम अपने सवाल में अंकों का योग निकालते हैं और उसके बाद अपने ऑप्शन का निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं मैच ठीक है जल्दी से मेरे भाई सात हजार लाइक पहुंचाते रहिए आप लोग फटाफट आइए चलिए इस सवाल का उत्तर बता दीजिए जल्दी से थर्टी वन परसेंट अब यकीन मानिए मेरे भाई आप यहां पर परसेंट में भी डिजिटल सम को स्किप करने वाले हैं बिल्कुल आप देखिए यहां पर ये हमारे फॉर्मुला बुक में पूरा दिया गया है तरीके से हर एक पॉइंट यार प्रीवियस ईयर के इतने सारे एग्जाम्पल है देखो ये सारे एग्जाम्पल ये आपका मेरे भाई इतना बड़ा सवाल देखो ये पूरा का पूरा किससे हल करोगे डिजिटल सम से हल करोगे ट्वेल्व पॉइंट एट परसेंट ऑफ इतना भी मैं कराऊंगा अभी ठीक है अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो कौन सा वाला क्वेश्चन दिया ये वाला क्वेश्चन थर्टी वन परसेंट ऑफ टू सिक्स इंटू क्वेश्चन

ठीक है तो बताइए जल्दी से बोलेंगे सर देखो ये परसेंट हो गया और ये ऑफ हो गया इससे डिजिटल सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कोई मतलब नहीं है सर परसेंट से रीजन बता रहे हैं हम आपको परसेंट से कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि परसेंट का मतलब एक बटे सौ होता है और एक बटे सौ का मतलब नीचे वन होता है और जब नीचे वन होता है तो क्या दिक्कत है भाई कोई परेशानी नहीं है समझ में आ रहा है बात यहाँ नीचे वन की जगह कोई और संख्या रहे तो परेशानी होगी ना यहाँ तो कोई परेशानी ही नहीं है यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं तो थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई छः जमा दो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्या करेंगे तो इंटू मान लीजिए पर हम x करते हैं और ये बराबर होगा किसके नौ खत्म आठ और एक नौ खत्म छ और दो कितना हो जाएगा मेरे भाई आठ के यहाँ पे ठीक है कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं आठ से आठ को काट देते हैं अरे भाई ऐसी गलती जीवन में मत करना बता रहे हैं काटना नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं काटना होता है ये गलती तो भविष्य में मत करना ठीक है आठ इंटू चार कितना हो जाएगा भाई बत्तीस हो जाएगा और बत्तीस का मतलब कितना होता है पांच होता है तो ये बोलोगे फाइव इंटू एक्स बराबर हो जाएगा किसके तो आठ के यहाँ पे आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर इस पाँच को उधर लेके चले जाओ तो बोलोगे आठ बटे पाँच अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर नीचे में तुम्हारा पाँच आया है नीचे में तुम्हारा कितना आया है तो एक सेकेंड नीचे में तुम्हारा कितना आया है भाई मेरे एक सेकेंड ठीक है नीचे में मेरे भाई पाँच आया है अब अगर आपका नीचे में पाँच आया है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे बोलोगे सर अभी आपसे सीखा था हमने और क्या सीखा था कि अगर पाँच आ रहा है तो किससे गुना करेंगे दो से तो यहाँ भी किससे गुना करेंगे दो से ऊपर में यहाँ कितना बन जाएगा सोलह और नीचे में बन जाएगा वो सोलह को जोड़ने पर सात आएगा कौन सा ऑप्शन का डेटे से हमारा सेवन है तो बोलेंगे सर देखो फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन एट प्लस वन नाइन कौन सा ऑप्शन है सर तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है सर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है आज ये एक और प्यारा सा सवाल आपका ये आपके बैंकिंग में पूछा गया सवाल है और ये आपका एस में भी आ सकता है सिंप्लीफिकेशन में जल्दी से बताइए डिजिटल सम लगा के किसका आंसर कितना होगा फटाफट यहाँ पे ट्वेल्व ऑफ एटी एट हंड्रेड माइनस ऑफ ट्रिपल बराबर इतना ठीक है इसमें बताओ आज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिजिटल सम का मेरे भाई वो परिभाषा बता रहा हूँ जिसको आप अप्लाई कर पाओगे बॉर्ड मास वाले सवालों में सिंप्लीफिकेशन वाले, वाले में कल वाला पार्ट टू जो हमारा डिजिटल सम होगा ना तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल सम के को मेरे भाई आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज के सवालों में प्रॉफिट लॉस के सवालों में ठीक है तो यानी आज की वीडियो और कल की वीडियो दो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जरूर देखिएगा आप लोग ठीक है ध्यान रखिए अगर आप सही महीने में कैलकुलेशन के बादशाह बनना चाहते हैं तो ठीक है अब यहाँ पर देखो बोलोगे दशमलव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं परसेंटेज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं कोई मतलब ही नहीं होता है तो यहाँ आठ और एक नौ खत्म कितना बच गया दो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आठ और आठ सोलह सोलह को जोड़ोगे तो सात आएगा ठीक है छः और चार दस दस और एक एक ग्यारह ग्यारह को जोड़ोगे तो दो आएगा इंटू यहाँ पर पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पंद्रह को जोड़ोगे तो छः आ जाएगा बराबर ट्वेंटी परसेंट का मतलब टू हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा अगर आप सही तरीके से देखोगे दो इंटू सात चौदह चौदह का मतलब पाँच होता है छः इंटू दो बारह बारह का मतलब मेरे भाई तीन होता है और बराबर होता है हमारे टू एक्स के अगर हम देखेंगे तो पांच में से तीन गया तो हमारा दो आ जाएगा बराबर हो जाएगा कितने के टू एक्स के आप ऐसे काट भी सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है बट मैं बोलूंगा मेरे भाई ऐसे काटना मत ठीक है कई केसेज में आंसर सही भी आ जाता है कई केसेज में आंसर गलत भी आ जाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे कर लेना कि जैसे ये दो है उस दो को ले जाके नीचे डिवाइड करना और नीचे जब दो आता है तो पूरी कायनात को पता है क्या करते हैं तो मेरे भाई हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं पाँच से और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पाँच से ऊपर भी दस आ गया वन और नीचे भी आ गया वन यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम वन होगा और मेरे भाई यहाँ पर छः पाँच ग्यारह का मतलब दो हो गया यहाँ पर कितना हो गया छः हो गया यहाँ पर पाँच हो गया और यहाँ पर वन हो गया यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा है तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है तो बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे अब अगले सवाल पे बढ़ने के पहले हम आपको छोटी सी बात बता दें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बहुत सारे बच्चे मेरे भाई बैच के बारे में पूछ रहे हैं तो देखो अगर कोई बच्चा एकदम शून्य लेवल से मेरे भाई कंप्लीट मैथ सीखना चाहता है तो हम उसे सिखाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है हमारा एक रिकॉर्डेड बैच होता है जो कि हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलता है जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है कंप्लीट अर्थमेटिक कंप्लीट एडवांस कंप्लीट डी आई कैल्कुलेशन टेक्निक्स और सारी सारी बातें मेरे भाई ठीक है और वो पूरा का पूरा हमारा कहां पर है तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है और ये जो रिकॉर्डेड बैच है ये सबसे ज्यादा अपडेटेड है और सबसे ज्यादा नया है इसके में मेरे भाई साढ़े तीन सौ प्लस लेक्चर्स हैं हर चैप्टर का कम से कम पंद्रह बीस वीडियो है ठीक है और सबसे बड़ी बात इसकी जो फीस है वो पूरे भारत में सबसे कम है मेरे भाई और वो है हमारा छह सौ निन्यानवे रुपए मैं आज वहीं बच्चों को बता भी रहा था कि देखो पिछले दो सालों में महंगाई बढ़ी पेट्रोल की कीमत बढ़ा चीनी का कीमत बढ़ा कई सारी चीजें बढ़ी पेपर का रेट बढ़ गया इनफैक्ट जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं उनकी सैलरी मेरे भाई डबल हो गई लेकिन जो आपका बैच का प्राइस था छः सौ निन्यानवे आज से मेरे भाई दो साल पहले भी मैंने छः सौ निन्यानवे रखा था और आज भी मैंने छः सौ निन्यानवे रखा है तब भी जो बच्चों को वैलिडिटी प्रोवाइड होती थी वो लाइफ टाइम की होती थी और आज भी जो वैलिडिटी प्रोवाइड होती है वो लाइफ टाइम की होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे गणित से मोहब्बत करें वो गणित से डरे नहीं अगर उनका सपना है कोई सरकारी नौकरी तो मेरे भाई वो निकालने में वो सक्षम रहे और उनको गणित हम सिखाएंगे वहाँ पे ठीक है तो अगर आपका मैथ्स वीक है कहीं पर आपको दिक्कत आती है किसी प्रकार की दिक्कत आती है कोई टॉपिक वीक है आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच लीजिए और यहाँ से पढ़ाई करिए कहाँ से मिलेगा तो हमारा एप्लीकेशन है आर विक्रमजीत करके आप इसको इंस्टॉल करो और यहाँ से उस बैच को ले सकते हो कहीं पर कोई समस्या आएगा तो ये हमारे कॉलिंग नंबर है एट फाइव जीरो सिक्स डबल जीरो डबल थ्री डबल नाइन नाइन टू एट नाइन जीरो सेवन नाइन एट डबल जीरो आप इन इनपे कॉल करोगे मेरे भाई तो आप बैच लेने में सहायता आपको पूरी प्रदान की जाएगी यू तो होता है हमारा रिकॉर्डेड बैच जो बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है और जैसे अभी आप यूट्यूब पर लाइव पढ़ रहे हो उसी तरीके से अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर भी लाइव पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर भी लाइव पढ़ना चाहते हो भाई मेरे तो उसके लिए आपको हमारा लाइव बैच लेना पड़ेगा चैंपियंस इलेवन ठीक है चैंपियंस बैच बिल्कुल और ये चैंपियंस बैच जो है इसकी फ़ीस है ट्रिपल नाइन नौ मतलब नौ सौ निन्यानवे रुपये क्योंकि जब आप लाइव देखते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है सर्वर कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इसी वजह से मेरे भाई इस बैच की थोड़ी सी फीस रिकॉर्डेड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है ठीक है इसमें आपको फ़ायदा जो मिल जाता है वो ये मिल जाता है कि आप लाइव क्लास में मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं गाइडेंस से संबंधित पढ़ाई से संबंधित ठीक है कहीं पर कोई भी डाउट आपको क्लास में हम नहीं रहने देंगे दूसरी बात एक कॉन्टीन्यूटी जो है वो मेंटेन रहती है कि हाँ यार इतने बजे क्लास का टाइम है इतने बजे लाइव पहुंचना है इतने बजे क्लास अटेंड करना ही करना है तो ये भी आप ले सकते हैं आर जी विक्रमजीत एप्लीकेशन से और उसके लिए भी हमारा सेम इंक्वायरी नंबर है जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है दोस्तों वैसे ही हमारे हर टीचर का स्पेशल है रीजनिंग स्पेशल का भी लाइव बैच है इंग्लिश स्पेशल का भी लाइव बैच है लेकिन अगर आप मेरे भाई सारे सब्जेक्ट नहीं लेकर मतलब दो सब्जेक्ट भी अगर आप लेना चाहते हो तो दो सब्जेक्ट ना लेकर दोस्त यहाँ पर आप कॉम्बो ले लो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा एक सब्जेक्ट एक हज़ार का है चार सब्जेक्ट चार हज़ार का होगा लेकिन चार हजार के जगह पे आपको सत्ताईस सौ में पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट का आपको कॉम्बो जो है वो मिल जाएगा इसके लिए भी आपको हमारा एप्लीकेशन आर जी विक्रमजीता एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना होगा और वहाँ से लेना होगा तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो बच्चा मेरे भाई पढ़ना चाहे वो वहाँ से पढ़ सकता है ठीक है अब इस क्वेश्चन को कराने के पहले हम आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे सही से देखिए सीजीएल सत्रह सात दो हजार तेईस में पूछा गया है इसी साल पूछा गया है फटाफट मेरे भाई सवाल का आंसर दे दो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो आप बोलोगे सर देखो इतना आसान क्वेश्चन है तीन है तीन का स्क्वायर है तीन का क्यूब है और ये कहाँ से कहाँ तक तीन के पावर तक गया है तो मैंने कहा यार देखो हमें फॉर्मूला जीपी का तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है ना इस समय हम जीपी को सीखने के मूड में भी हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम सिंपल स्क्वायर का यहाँ सवाल देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा पूरा का पूरा दोस्त हमारा सवाल है यहाँ पर अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे देखो बोलेंगे सर ये तीन है तीन का स्क्वायर नौ no. तीन का क्यूब कितना हो जाएगा सत्ताइस हो जाएगा आगे चल के काफ़ी सारी संख्या आएंगी इसका डिजिटल सम सर तीन होगा इसका डिजिटल सम नौ होगा इसका डिजिटल सम कितना होगा नौ होगा और आगे आने वाली हर एक संख्या का डिजिटल सम कितना होगा नौ ही होगा सर क्योंकि जहां पर तीन दो बार मल्टीप्लाई हो जाता है वहां नौ आ जाता है मेरे भाई देखो तीन को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा नौ तीन को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पर तुम्हारा नौ बन ही गया है तीन को मेरे भाई चार भार मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा नौ बन ही गया है और नौ को किसी भी संख्या से गुना करोगे नौ तो पहले वाले का डिजिटल सम नौ दूसरे वाले का नौ तीसरे वाले का नौ चौथे वाले का नौ पांचवे का नौ छठे का नौ सातवें का नौ ऐसे करते करते हर संख्या का आगे आने वाली सब का डिजिटल सम नौ और हमें पता है कि जब भी नौ डिजिटल सम आता है तो नौ को जोड़ते वक्त कितना मान लेते हैं तो जोड़ते वक्त नौ को जीरो मान लेते हैं जोड़ते वक्त नौ को जीरो मान लेते हैं तो यानी अल्टीमेट हमारा थ्री प्लस जीरो यानी डिजिटल सम कितना आएगा तीन आएगा और अगर तीन आएगा तो यहाँ पर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम तीन है तो यहाँ तीन किसका है तो बोलोगे छः और छः बारह बारह और पाँच सत्रह सत्रह और एक अट्ठारह अट्ठारह को मेरे भाई कितना हो गया तो नौ हो गया उसके बाद खत्म आठ चार मेरे भाई बारह बारह का डिजिटल सम कितना हो गया तीन हो गया छे और छह बारह बारह पांच मेरे भाई सत्रह सत्रह का डिजिटल सम हमारा आठ हो गया आठ और दो दस, दस दस और तीन मेरे भाई कितना आठ दो दस दस तीन तेरह तेरह का डिजिटल सम कितना हो गया चार हो गया यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है तो हमारे सवाल का भी डिजिटल सम तीन हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम तीन सर एक ही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी आप लोग को लग रहा होगा सर ने खुद से सारे डेटा सेट किए खुद से बनाया ये मेरे घर का तो डेटा नहीं था ये तो प्रीवियस ईयर का डेटा था और आपके पेपर में पूछा गया जिसने बच्चों के नाक में दम कर दिया तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जहाँ पर आप डिजिटल सम को लगा सकते हैं ये हमारी जो फार्मूला बुक की सीरीज़ है वो ऐसे ही मेरे भाई आपको पूरा ज्ञान देगी फॉर्मूला बुक का ये फॉर्मूला बुक आपको किंग बना के रहेगी इस बात को ध्यान रखो ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है सभी अस्त्रों से ऊपर जो अस्त्र होता है ना उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं अब इस सवाल का आंसर जो है वो हम नहीं देंगे इसका आंसर दोस्त आप लोगों को किस में देना है कमेंट बॉक्स में अगर आपने मेरे भाई डिजिटल सम हमसे सीख लिया है तो फटाफट इस सवाल का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जिसका उत्तर सही होगा उसको हार्ट मिल जाएगा ठीक है तो चलिए मेरे भाई आज के सेशन को हम अलविदा करते हैं टाटा बाय टा, बाय ध्यान रखिएगा और बाकी जो है मेरे भाई जितने लोग इस ब्रह्मास्त्र को ऑर्डर करना चाहते हैं ठीक है थीके? जो हमारी ये फॉर्मूला बुक है जिससे हमने आज पूरा सेशन पढ़ाया है जिसका पहला चैप्टर ये भी हमने आपको पढ़ाया है तो वो यहाँ पर अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है ठीक है मिलते हैं अगले सेशन में दोस्त सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना ठीक है और अभी इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है हमारी जो हमारा फॉर्मूला बुक का पहला सैम्पल पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे रैंकर्स ग्रुकल पे और मैथ्स भाई आदित्य रंजन पे तो ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है मिलते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पढ़ा के मज़ा आया अगले सेशन में ठीक है थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर बाय